Hey guys, what's up and welcome back. आज इस वीडियो में ना मैं अपना ओपिनियन देने वाला हूं भाई कि ये रेड टेप ब्रांड के क्लॉक्स एक्चुअली है कैसे। इसके एमआरपी 2699 की है भाई और ये उतनी ज्यादा एमआरपी का वर्थ का प्रोडक्ट नहीं है बेसिकली, ठीक है। और मैंने इसको अराउंड 1000 रुपीज के आसपास में लिया। लेट्स सी गाइस कि 1000 रुपए के आसपास में क्या आपने को ये क्लॉक्स रेड टेप ब्रांड के क्लॉक्स लेने चाहिए नहीं, ठीक है। आ जाओ, आफ्टर हैविंग दिस क्लॉक्स इन माई हैंड, अगर मैं रेड टेप ब्रांड को अपने दिमाग में रखूं और ये प्रोडक्ट हाथ में लूं तो हाँ ऐसा लगता है हाँ कि आप ये रेड टेप ब्रांड का प्रोडक्ट है। आई मीन मेरे को ऐसा लगता है भाई कि रेड टेप ब्रांड को कुछ तो डेफिनेटली जरूर पता है फुटवेयर के बारे में, जो कि दूसरे जो अन्य ब्रांड्स है ना भाई उनको शायद थोड़ा कम पता है। बिकॉज इनका जो प्रोडक्ट बनाने का जो तरीका होता है ना भाई वो काफी मतलब एग्जिस्टिंग ब्रांड से थोड़ा सा मेरे को हटके ही लगता है, विच इज लाइक मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। हर कंपनी की डेफिनेटली अपनी एक यूएसपी होनी चाहिए। जब मैंने ये क्लॉक्स को फील किया ना भाई तो फील वाइज ये काफी ईवा वाला फील देता है, ठीक है। मतलब कुछ वीडियोज में आपने मेरे को डेफिनेटली बोलते हुए सुना होगा भाई कि रबड़ाइज फील दे रहा है, लेकिन इस केस के क्लॉक्स में ना आप लोगों को काफी ज्यादा वो ईवा वाला फील आता है। मतलब वो फील वाइज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा और का वो रबर वाली जो फीलिंग आती है ना इसको हाथ देखे तो और भी ज्यादा अच्छा लगता। क्विकली ब्रांडिंग देख लेते, बॉटम पे यहाँ पे रेड टेप का लोगो, ये पीछे की जो स्ट्रैप है भाई इस पे भी रेड टेप का लोगो और ये भी भाई वो ईवा मटेरियल से ही बना है, ठीक है। उसके अलावा बहुत अच्छी बात लगी भाई कि इसके जो सोल के पीछे भी ना भाई रेड टेप ब्रांड की ब्रांडिंग देखने को मिली है। इससे ये पता चलता है भाई कि ये जो क्लॉक्स है ना रेड टेप का ये इनकी पर्सनलाइज डाई है। उसके अलावा यहाँ पे दोनों तरफ रेड टेप की ब्रांडिंग, उसके अलावा यहाँ पे बॉटम पे आप देख सकते हैं भाई जैसे वो ओरिजिनल क्रॉक्स ब्रांड के जो क्रॉक्स नहीं होते भाई उस तरीके की यहाँ पे मतलब वो पैटर्न्स अपने को देखने मिल जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपको ग्रिपिंग में थोड़ा हेल्प आउट करता है, ठीक है। मतलब आप जो पैर डालते हैं ना तो आपके पैर को वो एक तरफ रखता है, मतलब ऐसा नहीं कि पैर आगे पीछे ऐसे नहीं होता उसमें। उसके अलावा कंपाउंडिंग की बात करें भाई तो इसको हाथ में लेके डेफिनेटली क्या फील आता है पता है क्या, कि ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल साबित होने वाला है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि मतलब ये बहुत जल्दी दब जाएंगे, ये फील आना ही काफी अच्छी बात है यार। वरना कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं यार अपन हाथ में लेके ही बोलते थे भाई यार ये तो यार ये नहीं चलेगा यार, बट इन दिस केस ना भाई वो हाथ में लेके अपने को फील आता है कि हाँ भाई ये काफी अच्छा चलने वाला है। बाउंसीनेस भी है इसके अंदर और काफी लाइट वेट है भाई, इतना लाइट वेट है ना मेरे हिसाब से भाई आप तो पैर में पहनोगे ना तो आपको लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ पहना है पैर में, उतना लाइट वेट। उसके अलावा डिजाइन की बात करें भाई तो रेड टेप में डेफिनेटली यहां पे काफी एक बढ़िया डिजाइन यहां पे सिलेक्ट किया जो कि आपको देखने में भी काफी अच्छी लगती है। वरना इस कॉन्सेप्ट के क्लॉक्स में मैंने देखा है भाई कुछ कुछ ब्रांड्स एकदम हग्गू डिजाइन है उनके, मतलब हां वो देख के ही पसंद नहीं आता। एक चीज नोट करने वाली है भाई इस क्लॉक्स का, अगर आप देखेंगे ना भाई और अपने को पता है आपने पहले वो भी कहा था स्वार ब्रांड के भी क्लॉक्स अपने रिव्यू अनबॉक्स किया अपने चैनल पे भाई, तो उसका जो ये पीछे वाला जो पोर्शन था ना ये वाला पोर्शन वो भी काफी ऐसा हाइटेड लगता है, तो ये केस में भी ये काफी ज्यादा हाइटेड लगता है। मतलब यहां से थोड़ा अंदर की तरफ डेफिनेटली आपको इसमें ना एक इंच की तो हाइट आपको डेफिनेटली मिल जाएगी इसमें, ठीक है। इसके अलावा आउटसोल की बात करें एक्चुअली पूरा वन पीस ही है भाई, आउटसोल सिर्फ बोलने के लिए है। तो आउटसोल की बात करें ना भाई तो डिजाइन आप देखेंगे ना भाई तो एकदम क्लियर डिजाइन, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ टू थिंग भाई। एक तो देखो यहाँ पे ईवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का बेसिकली माल है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ एक पैच दिख जाएगा जो कि मैंने मेरे पहले वीडियोस में भी शेयर किया भाई कि ईवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का जो माल होता है वो काफी अच्छा होता है। मतलब मटेरियल के साथ में ईवा इंजेक्शन मोल्डिंग और अच्छा मोल्ड रिजल्ट इन दिस सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट। एक चीज भाई जो मैंने और भी रिव्यू चैनल देखे भाई किसी ने भी कवर नहीं किया यार, एंड आई वाज लाइक कि भाई ऐसे कैसे ये लोग रिव्यू कर लेते यार, मतलब कैसे अपना ओपिनियन दे देते यार। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, क्या पता है क्या, जब मैंने ये क्लॉक्स को पहना ना भाई तो उसकी जो फिटिंग वेटिंग थी ना भाई थोड़ी सी प्लस थी। ये मैंने यूके 8 नंबर ही मंगाया और आपको पता था कि मेरे को भी 8 नंबर ही आता है, बट ऑलमोस्ट इसमें ना भाई एक साइज का फर्क था। मतलब जब मैंने पैर डाला ना भाई तो वो काफी लूज लग रहा था मेरे को, एंड आई वाज लाइक कि अरे यार कोई यार एक बार मंगाएगा जो उसको एग्जिस्टेंस आ जाते तो भाई उसको यार रिटर्न वगैरह करना पड़ेगा फिर तो यार, मेरा मतलब एक्सचेंज करना पड़ेगा फॉर ए करेक्ट साइज। इन शॉर्ट अगर मेरा ओपिनियन अगर आप लो ना भाई तो ये मैंने 8 नंबर मंगाया ये मेरे को थोड़ा लूज हो रहा है, ठीक है। तब मेरे को ऐसा लगता है अंदर से कि अगर मैं 7 नंबर मंगाता ना ये क्लॉक का तो भी मेरे को काफी अच्छा फिटिंग आता, तो मैं डेफिनेटली ये सजेस्ट करता हूँ भाई कि ये क्लॉक के केस में ना एक साइज आप छोटी मंगाना। आई मीन होता है यार ब्रांड ब्रांड का और मोल्ड मोल्ड का फर्क होता है, ठीक है। दिखने में ये काफी अच्छी लगे और मेरे को ऐसा लगता है ना भाई कि क्लॉक्स वॉक्स ये सब जो आप लेते हो ना भाई इसमें ना आप लाइट और जितने ब्राइट कलर्स लेते ना वो ज्यादा अपने पैर में एकदम निखर के दिखते हैं। अब भाई देखो मेरा फाइनल ओपिनियन क्या होगा पता है क्या, जनरली मैंने ऑब्जर्व किया भाई कि वीडियो डालने के बाद है ना भाई खासकर किसी भी मतलब इस टाइप के ब्रांड के रेड टेप की भाई मतलब मैंने 200-300-400 रुपए ऐसे ही बढ़ जाते, ठीक है। और मैंने कितने मिल लिया, 999 मिल लिया जो कि 1000 रुपए। अब मेरी बात आप ध्यान से सुना, देखो ये क्रॉक्स की क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी तो है, लेकिन मेरे भाई अगर 1000 रुपए में अगर आपको ये मिलता होगा ना और अगर इसका प्राइस अगर आफ्टर पुटिंग वीडियो अगर 1100-1200 ऐसा कुछ आता है ना तो मेरे हिसाब से वो टाइम पे आप वो प्राइस पे आप मत लेना इसको, कोई जरूरत ही नहीं भाई 1200 रुपए इसमें डालने के लिए। बिकॉज 1000 रुपए के नीचे भी है ना अपने को काफी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के अपने को क्लॉक्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप वो उर्जो का ले लो, नियोस का ले लो या फिर वो अड्डा ब्रांड का ले लो भाई, तो ऐसे आपको ऑनलाइन में ना काफी अच्छे क्लॉक्स मिल जाएंगे 1000 रुपए के नीचे, समझ रहे हो। गाइस एक फालतू में क्यों अपन 1200-1300 रुपए डाले यार इसकी केस में, और अगर इसका प्राइस 800 रुपए के आसपास फ्लक्चुएट होता ना भाई तब तो उसको आप बिंदास है ना, ठीक है। बिकॉज वो प्राइस के साथ मेरे को लगता है काफी सही है। और गाइस डेफिनेटली वीडियो फॉरवर्ड करो उस बंदे को जो कि क्लॉक्स ढूंढ रहे काफी टाइम से और वो कंफ्यूज है भाई कि उसको कौन से क्लॉक्स लेने हैं, क्लॉक्स से मेरे प्लेलिस्ट भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें आराम से बैठ के वीडियो देखना और कौन से जो भी अच्छा लगे ना मेरे को आगे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। विद दिस गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू गाइस।